हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए के वीडियो क्रिएटर में। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ काइन मास्टर से इस तरह की वीडियो कैसे एडिट करें। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट काइन मास्टर के ऐप के अंदर। आपको एंटर होते ही कुछ ऐसा इंटरफेस देखेगा। आपको करना क्या है, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। इस प्रकार आपको यहाँ से 916 का रेसिप ले लेना है और यहाँ पर क्रिएट पर टैप कर देना है। क्रिएट पर टैप कर देना है आपको। अब यहाँ से इमेज असेट पर जाके ब्लैक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसको एंड में पकड़ कर इस प्रकार खींचेगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ऑडियो लिखा हुआ दिख रहा होगा, ऑडियो पर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको सॉन्ग्स पर जाना है। आपको अपना कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट करना है जिस पर आप अपना वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैंने अपना सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया है। अब कट पर टैप कर देते हैं। ये सॉन्ग थोड़ा छूट रहा है तो इस प्रकार इसको बराबर में कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको बड़ा करके अपनी लिरिक्स की लाइन सुन लीजिएगा, फिर उसी प्रकार एडिट करिएगा आप। चलिए मैं फटाफट से सुन लेता हूँ। तो मेरी पहली लाइन यहाँ पर आ रही है, तो इसको इस प्रकार कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप। चलिए मैं फटाफट से इन सब पर इसी प्रकार मार्किंग किए ले रहा हूँ। हेलो गाइस, तो देखिए हमने सभी जगह अपनी मार्किंग कर ली है। इस प्रकार आप भी सभी जगह अपनी मार्किंग कर लेना। अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा बड़ा करना है। अब एंड बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे आ जाना है। यहाँ पर लेयर पर टैप कर देना है और यहाँ टेक्स्ट दिख रहा होगा आपको, टेक्स्ट पर टैप कर देना है। यहाँ से आपको पहली लाइन अपनी लिखनी है, पहली लिरिक्स, तो मैं लिख लेता हूँ। अब इसको आपको इस प्रकार इतना बड़ा करके मिडिल में बीच में रख देना है। अब यहाँ से आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉन्ट, ये इस पर क्लिक करके मैं एक फॉन्ट ले रहा हूँ, आप भी उसी को ले लेना। एनेबल वन फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस प्रकार आप भी यूज कर लें। तो इसको मिड पॉइंट पर रख देना है इस प्रकार, थोड़ा छोटा कर लेना इस प्रकार रख के। अब आपको करना क्या है, इसको छोटा कर लेना है इस प्रकार। अब ये जो टेक्स्ट है इसको खींच के बिल्कुल एंड तक ले जाना है इस प्रकार, एंड तक ले जाने। अब इसको बड़ा करना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इस प्रकार इस पर टैप करेंगे तो ये आ जाएगा। आपको टेक्स्ट वाली लाइन पर टैप करना है। यहाँ पर ट्रिम स्प्लिट पर जाना है।
यहाँ से स्प्लिट कर देना है। इसी प्रकार आपको जहाँ जहाँ आपने मार्क किया होगा वहाँ वहाँ आपको स्प्लिट करना है। तो चलिए मैं फटाफट से कर ले रहा हूँ। तो चलिए गाइस, मैंने सभी जगह अपनी स्प्लिट कर ली हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अगली लाइन पर इस तरह से टैप करना है। यहाँ पर एडिट आपको दिख रहा होगा, तो आपको एडिट पर टैप कर देना है। अब इसको ख़त्म करके यानी कि मिटा के दूसरी लाइन आपको लिखनी है। कभी था मेरा तो अब नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार आपको सभी में लिख लेना है आपके जो भी लाइन हो इस पर। हम फटाफट से एडिट कर ले रहे हैं। तो हेलो गाइस, देखिए हमने अपनी सारी लाइनें एडिट कर ली हैं। अब आपको करना क्या है, इसको एक बार चेक कर लेना है कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, फिर आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलिए गाइस, अब हम इसको आपको एक्सपोर्ट करके दिखाते हैं। आपको यहाँ पर ये लोगो दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है इस प्रकार। अब यहाँ से आपको सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए आपकी गैलरी में वीडियो सेव होने लगेगी इस प्रकार। अब आपकी वीडियो सेव हो चुकी है, ये देखिए वीडियो आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, ये जो काइनमास्टर का लोगो है इसको कैसे हटाएंगे, आपको करना क्या है, सिंपली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इस प्रकार। आपको क्रॉप पर जाना है, इसको ब्लैक में ही क्रॉप कर देना है इस प्रकार। अब आपको करना क्या है, आपको VN एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करके आपको वही वाली वीडियो ले लेनी है। और यहाँ से आपको करना क्या, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये, इस पर आपको क्लिक कर देना है वीडियो फ़ोटो। यहाँ से आपको फ़ोटो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था ब्लैक वाला, वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको सिंपली इसके ऊपर इस प्रकार रख देना है। अब आप देख सकते हैं गायब हो चुका है। और ये जो है इसको बिल्कुल एंड तक इस प्रकार खींच के ले जाना है। और हाँ, एंड में इसका ये एक्स्ट्रा पार्ट आता है वो खुद ही देता है VN, तो उसको डिलीट कर देना है आपको। और यहाँ से इस प्रकार से आपको खींच कर देखिए, अब कहीं आपको वो नज़र नहीं आएगा आपको। यहाँ से अब इसको सेव कर लेना है इस प्रकार। अब आपको करना क्या है, अब आपको कैपकट ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपका मोबाइल का डेटा ऑन होना चाहिए। तो चलते हैं डायरेक्ट कैपकट ऐप के अंदर। तो उसको चलाने से पहले आपको सुपर VPN की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको सिंपली उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और इसको कनेक्ट कर देना है सुपर VPN को। चलिए हम जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा सुपर VPN कनेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट कैपकट ऐप के अंदर। अब आपको यहाँ न्यू प्रोजेक्ट लिख रहा होगा, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर दीजिए। यहाँ से आपको वही वाला वीडियो उठा लेना है, ऐड पर क्लिक कर देना है।
आपका वीडियो आ चुका है। अब आपको यहाँ करना क्या है, इस प्रकार वीडियो को इस प्रकार दोनों तरफ स्वीप करके इसको बड़ा कर लेना है। अब आपको इस प्रकार मार्किंग कर लेनी है, कभी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये नहीं आ रहा है, इससे पहले बिल्कुल इन दोनों के मिडल पॉइंट पर इस प्रकार, ये देखिए कभी, यहाँ से आपको एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, एडिट पर आपको टैप कर देना है, ये देखिए एडिट पर टैप करके आपको स्प्लिट कर देना है, यहाँ से देखिए नहीं आ गया। अब आपको आगे जाना है, ये देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर यहाँ से इसको भी स्प्लिट कर देना है। अब आपको इस प्रकार ही आगे चले जाना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सिंपली आपको उसी प्रकार करना है। इसको भी स्प्लिट कर देना है, अब ये जो कैपकट एप्लीकेशन है ये भी एक्स्ट्रा पार्ट देता है, तो इस प्रकार आपको डिलीट कर देना है, यहाँ से डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करके डिलीट हो चुका है। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी को स्प्लिट कर लिया है, तो इसको इस प्रकार हम ऐसे खींचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अब बारी आती है इसमें एनिमेशन डालने की, तो वो कैसे डालते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर वही एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको एनिमेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर एनिमेशन लिखा हुआ दिख रहा है, आपको एनिमेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इन आउट कॉम्बो, आपको सिंपली कॉम्बो वाले पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से देखिए आप बहुत ही सारे इफेक्ट खुलकर आ गए हैं, तो आपको इस पर क्या लगाना है, आपको बिल्कुल स्टार्ट में आके आपको पहले में लगाना है पेंडुलम वन, दूसरे पर क्लिक करना है, इस पर लगाना है पेंडुलम टू, अब तीसरे में आपको क्या लगाना है, ये वाला स्पिन वाला लगाया था, तो आप भी थर्ड वाले में स्पिन लगा दें। अब फोर्थ वाले में क्या लगाना है आपको, फोर्थ वाले में आपको लगाना है ये वाला, आप देख सकते हैं इसमें रिवॉल्विंग चेकर लिखा हुआ है वन, रिवॉल्विंग चेकर वन लगाना है इसमें आपको। फाइव बार अगले में क्या लगाना है आपको, यहाँ से बिल्कुल इधर आ जाना है आपको, आपको ये दिख रहा होगा 3D एंगल 2 दिख रहा होगा, अब आपको इसमें ये लगा देना है। अगले में आपको क्या लगाना है इसमें, इसी प्रकार, और आप इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे रोलर कैप सेकंड वाला, ये वाला एल्टजर 1 लगा देंगे इसमें, और इसमें लगाएंगे हम वाल्टजर 2, अब इसमें हम लगाएंगे फ्लिप 1, इसमें लगाएंगे फ्लिप 2, अब इसमें क्या लगाएंगे हम, चलिए इधर आ जाते हैं हम। अब आपको दिखाते हैं इसमें लगाना है आपको क्यूब,
केवल क्यूब। इसमें आपको लगाना है ये वाला, और आपको इसमें क्या लगाना है, इसमें आपको यहाँ पर आना है और इसमें लगाना है क्वार्टर टू, क्वार्टर टू लगाना है इस प्रकार। अब इस पर आपको क्या लगाना है, इसमें आपको लगाना है क्वार्टर वन। अब इसके अगले वाले में क्या लगाएंगे, ट्रीसेक्ट वन। अब इसमें हम लगाएंगे ट्रीसेक्ट टू। हम क्या लगाने वाले हैं देख सकते हैं आप, और इसी को हम इसके अगले वाले में भी लगाएंगे बिसेक्ट वन को। अब इसमें हम लगाएंगे, अब बिल्कुल एंड में हम लगाएंगे रिवॉल्विंग वाले को। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चेक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हैं आपका वीडियो कैसा एडिट हो चुका है। देखिए आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी एडिट हो चुकी है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। आपको ऊपर में ये जो आप देख सकते हैं आइकन दिख रहा होगा, इससे आप सेव कर लीजिए। यहाँ वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो ये दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर 1080 कर देनी है और इसी पर क्लिक करके अब आपकी वीडियो देखिए सेव होना स्टार्ट हो रही है। तो आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी कुछ ही सेकेंड में। देखिए जो अभी हमने वीडियो बनाई है वो ये रही वीडियो। तो अब आपको करना क्या है, आपको जाना है सिंपली नोड वीडियो। आपको करना क्या है, आपको जाना है नोड वीडियो के अंदर। इसमें जो आप इसको कलर देंगे वो कलर नोड वीडियो से ही डाला जाता है। आपको यहाँ पर अब देखिए हमने वही अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लिया, आपको दिखाते हैं हम। अब आपको यहाँ पर नीचे में प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ये इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको सर्च करना है ग्लो, GLO, इतना ही सर्च करके आपको ग्लो स्कैन बल को सिलेक्ट कर लेना है इसको। अब यहाँ से आपको अपनी मर्जी का कलर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम ब्लू सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब देखिए आपको एक और चीज़ बताएंगे, इसमें आप इसी प्लस वाले आइकन पर आपको टैप कर देना है और यहाँ से आपको सर्च करना है रैंड ड्रॉप। अब नीचे देख सकते हैं रैंड ड्रॉप आ गया है लिखा, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार की एडिटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे सेव कैसे करना है। ये देखिए होम के बगल में ये जो आइकन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ग्रीन ये दिख रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है। अब देखिए आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो चुकी है। हमारी वीडियो सेव होने ही वाली है हमारी गैलरी में। तो गाइस हमारी वीडियो सेव हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से आपको बैक आ जाना है। हम आपको वही वीडियो दिखा देते हैं। ये देखिए किस प्रकार की एडिट होकर हमारी वीडियो आ चुकी है रैंड ड्रॉप के साथ। अब आपको करना क्या है, सिंपली फिर से अपने काइन मास्टर ऐप के अंदर आना है,
न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। यहाँ से आपको 960 रेशियो लेकर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको एक ब्लैक इमेज सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से कट कर देना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। आपको वही आइडियो ले लेना है जो आपने सिलेक्ट किया था। उसी प्रकार आपको मार्किंग करनी है जिस प्रकार आपने टेक्स्ट में की थी। तो चलिए हम फटाफट से कर ले रहे हैं। तो देखिएगा इस हम इस वीडियो में मार्किंग कर चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है, उसी PNG को उठा लाना है। तो मैंने उस PNG का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आपको करना क्या है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। ये रहा वो PNG, आपको इसको फुल स्क्रीन पर इस प्रकार से कर लेना है और जहाँ जहाँ आपने मार्क किया है इस प्रकार आप बड़ा करके उतना उतना है इसको इस प्रकार इस पर किया। यहाँ से ट्रिम स्प्लिटर ट्रिम राइट कर दिया और इस पर क्लिक किया है, 3 डॉट पर गए, डुप्लीकेट कर दिया। अब इसके आगे वाले पार्ट को इससे आगे लाकर इस प्रकार रख दिया। अब अगले डॉट पर गए, यहाँ पर भी ट्रिम स्प्लिट पर गए, ट्रिम राइट कर दिया, 3 डॉट पर गए, डुप्लीकेट किया, इसको इससे आगे लाकर इस प्रकार रख दिया। अब ये थोड़ा बड़ा है तो इसको खींचना पड़ेगा। अब देखिए इस ब्लू लाइन पर आकर इस पर आप ऐसे करके टैप करेंगे तो ये उसी के जितना हो जाएगा। अब यहाँ से इस प्रकार आपको इसके एंड पॉइंट पर यहाँ रखना है, ये देखिए इतना ही ट्रिम हो जाएगा। इस पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर डुप्लीकेट करना है। आपको हर बार इसी प्रकार करना है। अब आपको करना क्या है, ये जो है इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, इस प्रकार आगे लाकर रख देना है। इस पर पॉइंट पर टैप करना है, अब PNG पर टैप करना है, ट्रिम स्पीड पर गया, ट्रिम राइट कर दिया। चलिए हम फटाफट से इसी प्रकार लगा ले रहे हैं सब पे। तो देखिएगा इस हमने इस प्रकार अपने सभी पर PNG ऐड कर लिया है उसी प्रकार सॉन्ग के हिसाब से। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो सॉन्ग है आप देख सकते हैं, ये सॉन्ग इस पर आपको टैप करना है, इसको डिलीट कर देना है, इसका कोई काम नहीं। अब आपको क्या करना है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, वही वीडियो उठा लेना है जो हमने नॉट वीडियो से एडिट किया था। इस प्रकार इसको ले आना है। अब इसको फुल स्क्रीन पर इस प्रकार से कर लेना है। अब ये जो वीडियो उठाया है अब इस पर हमें टैप करना होगा और नीचे आके आपको दिख रहा होगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, ये रहा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, इसको स्क्रीन कर देना होगा इस प्रकार। आप देख सकते हैं आपका एनिमेशन किस प्रकार बन चुका है, आप देखिए। तो हो चुकी है हमारी वीडियो एडिट। अब हम आपको इसको एक्सपोर्ट करके दिखा देते हैं। आपको इस पर क्लिक कर देना है, सेव इस वीडियो पर क्लिक कर देना है, स्किप पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो कुछ इस प्रकार एडिट होकर आई है हमारी गैलरी में सेव होने। हमने आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो एडिट करना सिखाया है। आप चाहते हैं तो ये जो टेक्स्ट है ये किसी दूसरे का भी यूज कर सकते हैं टेम्पलेट। ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।